स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में, और हमें बहुत खुशी है कि आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ने का प्रयास आपका कार्यरत है। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में हम देख रहे थे और हम बस यही चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ते रहें और हमारा भी हौसला अफजाई करते रहें और अच्छे से हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताते रहें कि हमारी जो भी गलतियां हों, जिससे कि हम आगे आने वाली वीडियोस में सुधार के साथ उनको आप तक पहुँचा सकें। तो हम आज बात कर रहे हैं कृषि और उद्योग की। जो उत्तर प्रदेश से कृषि और उद्योग से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, हम मेनली जो फोकस हमारा रहेगा वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चंस पर रहेगा, जैसे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जितने भी इस लेक्चर में कवर किए जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपका चाहे वो पीसीएस की परीक्षा हो जो या लोअर की परीक्षा हो या UP SSSC का या कोई भी ऐसा पेपर हो, उन सभी में ये क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा वीडियो को। हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा लगे, बोरिंग लगे, बट कोशिश कीजिएगा पूरा देखने की, जिससे कि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। तो हम सबसे पहले, जैसे कि हम जानते हैं कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित हमारा अर्थव्यवस्था है, और जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है मतलब भारत की, वो भी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। और जो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वो इस तरह से है कि जो जितने भी उद्योग हैं या फिर जो भी सेक्टर हैं वो कृषि आधारित है। इसमें इसकी भौगोलिक संरचना ऐसी है कि कृषि पर बेस्ड इसमें सारा जो कार्यशील जनसंख्या है वो ज़्यादातर कृषि में लगी हुई है, गैर कृषि गतिविधियाँ यहाँ पर कम हैं। पहले नंबर पर जो उत्तर प्रदेश आता है वो कृषि आधारित रोज़गार प्रदान करने में आता है, और दूसरे नंबर पर वो जो गैर कृषि आधारित उद्योगों में आता है। तो अगर हम बात करें, पहला जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या, जो टोटल जो वर्किंग फोर्स है यूपी की, तो उसकी 59.3% कृषि और कृषि से रिलेटेड किसमें सेक्टर में नियोजित है। तो आपको ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जो टोटल वर्किंग फोर्स है उसकी 59.3, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि कितनी वर्किंग फोर्स का कितना परसेंटेज जो कृषि से रिलेटेड गतिविधियां हैं उसमें लगा हुआ है। तो 59.3% जो लोग हैं, जो वर्क फोर्स है, वो कृषि या उससे रिलेटेड जो उद्योग हैं या जो क्षेत्र हैं उसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि यूपी को के में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो दोनों में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है कृषि जलवायु प्रदेश और एक है पारिस्थितिकी क्षेत्र। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेश्चन आराम से ध्यान से पढ़ना है कि जलवायु प्रदेश पूछे गए हैं या पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछे गए हैं। यदि जलवायु प्रदेश पूछे गए हैं तो कृषि जलवायु प्रदेशों की जो संख्या है यूपी के अंदर वो कितनी है, 9, 9। और जो पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, जो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, वो हैं आपके 20। तो 9 और 20, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, 9 जलवायु प्रदेश हैं और कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र कितने हैं, 20। इसके अतिरिक्त हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यूपी में किस स्थान पर यूपी जो है प्रथम है, या फिर कौन सा स्थान मतलब कौन सा जिला ऐसा है जो किसी भी प्रोडक्ट का मैक्सिमम उत्पादन करता है। जैसे कि अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है वो जो जिला है वो है गोरखपुर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, गा फॉर गेहूं और गा से ही गोरखपुर है, तो गोरखपुर में क्या होता है, गेहूं। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्वाधिक जो अफीम का उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है बाराबंकी में। अफीम का कहाँ होता है, बाराबंकी में, ये हम लोग को मैक्सिमम पता होता है कि अफीम का बाराबंकी गढ़ है। इसके अलावा आंवला, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, आंवला का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में। लीची, जो शायद हम सभी को पसंद होगी, तो लीची का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है सहारनपुर और मेरठ। सेम माल्टा जो एक फल है, माल्टा का भी जो सर्वाधिक उत्पादन है वो भी सहारनपुर और मेरठ में होता है। तो ये याद रखिएगा कि लीची और माल्टा का
सेम है सहारनपुर और मेरठ। अफीम का क्या है? अफीम का है बाराबंकी। आंवले का है सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़। क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम संतरा की बात करें, संतरा का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो आपका होता है कहाँ पर? सहारनपुर में। वो कहाँ होता है आपका? सहारनपुर और मेरठ में। सेम जैसे माल्टा आपका हो गया, लीची हो गया, तो ये भी आपका सहारनपुर और मेरठ में। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आते हैं इम्पॉर्टेंट के, जैसे कि ये पूछ लिया जाता है कि ये जो किस्म है ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है या ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। तो जैसे मलिहाबादी दशहरी है, ये आम की किस्म है एक मलिहाबादी दशहरी, तो ये सबसे ज़्यादा जो इसका गढ़ है जो फेमस है वो लखनऊ फेमस है, लखनऊ का। जैसे कि अल्फांसो एक आम की प्रजाति सॉरी किस्म है, तो अल्फांसो जो किस्म है वो महाराष्ट्र की वो है, ठीक है। ऐसे सफ़ेदा और चौसा, ये जो आम की किस्म है सफ़ेदा और चौसा, ये है सहारनपुर, मतलब सहारनपुर इसके लिए फेमस है, किसके लिए? सफ़ेदा और चौसा के लिए। तो हम यहाँ ये चीज़ देख सकते हैं कि आम में जो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? लखनऊ और सहारनपुर। लखनऊ का है मलिहाबादी दशहरी और सहारनपुर का है सफ़ेदा और चौसा। इसके अलावा रटौल जो है वो भी आपके क्या है? एक आम की किस्म है। और रटौल जो है, रटौल के लिए फेमस है मेरठ, रटौल फेमस है किसमें? मेरठ और बागपत। इसके अलावा लंगड़ा आम जो सभी को भी आई थिंक पसंद होगा, बहुत ज़्यादा पल्पी और जूसी होता है, तो लंगड़ा आम जो है वो है आपका वाराणसी में, ठीक है, वाराणसी का फेमस है। इसके अतिरिक्त तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं कि ये चीज़ कहाँ पर फेमस है ज़्यादा। इसके अलावा एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है कि उत्तर प्रदेश में कितने निर्यात जोन हैं, एक्सपोर्ट जोन्स कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में तीन निर्यात जोन हैं जो कि हैं आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। आगरा जो है वो है आलू के लिए निर्यात जोन, लखनऊ और सहारनपुर जैसा कि हमने अभी देखा कि लखनऊ और सहारनपुर में आम की किस्में बहुत ज़्यादा हैं, तो आम के लिए ये क्या है? निर्यात जोन। तो यूपी में तीन निर्यात जोन है, याद रखिएगा, तीन निर्यात जोन है आगरा, लखनऊ और सहारनपुर। आगरा में आलू, आगरा का जो है वो आलू जो है वहाँ पर ताज ब्रांड से, उसका जो ब्रांड है वो ताज है, तो ताज ब्रांड से वहाँ पर बेचा जाता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कितने निर्यात जोन हैं। अब आगे बात करते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे गए हैं और लगातार पूछे भी जाते हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। अभी हम आगे, ये बहुत कम हैं एक्चुअली, अभी हम आगे और भी इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे, वहाँ पर आपको याद होते जाएंगे। तो सबसे पहले राजकीय, सबसे पहले लखनऊ के हम देख लेते हैं, राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, ये इसका पहले था नाम, अब तो इसका चेंज हो चुका है, अब इसका फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट पड़ चुका है नाम, खाद्य प्रसंस्करण। तो राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान ये कहाँ पर है? ये है आपका लखनऊ में। लखनऊ के देख लेते हैं, तो लखनऊ में एक तो फल का हो गया, और लखनऊ फेमस भी हमने कहा था अभी आम के लिए है ना, दशहरी है इस टाइप से, यह मलिहाबादी दशहरी है। तो फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, बागवानी, देखिए बागवानी एक तरह से आप लगा सकते हैं ना, मतलब फलों का बाग है ना, तो बागवानी संस्थान ये भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। और लखनऊ की अगर हम बात करें, एक है जैविक एवं औषधि संस्थान, ये भी कहाँ पर है? ये भी है लखनऊ में, यानी मेडिसिन से जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। इसके अलावा ये आप फिर से लगा सकते हैं, मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? मैंगो का कहाँ पर था? लखनऊ में। तो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये है आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी कि जो एग्रीकल्चर रिसर्च जो काउंसिल है, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, वो कहाँ पर है? वो है लखनऊ में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट लखनऊ में सेंटर्स हैं। अभी हम आगे और भी लखनऊ के सेंटर्स पढ़ेंगे, जो उद्योग में हम जब पढ़ेंगे आगे, फिलहाल ये अभी कृषि से रिलेटेड हैं कि एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, यानी फल से बागवानी, इसी से रिलेटेड है यानी कि लखनऊ, ठीक है। मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, जैविक एवं औषधि संस्थान यानी कि मेडिसिनल प्लांट का लखनऊ, ठीक है।
और एक है कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ। अब हम बात करते हैं आलू अनुसंधान संस्थान की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत रॉन्ग टिक मार्क करके रहते हैं हम इसमें। इसमें पूछा है, अगर पूछा जाता है एग्जाम में केंद्रीय आलू अनुसंधान, तो केंद्रीय है, तो केंद्रीय मतलब यूपी के बाहर इसका सेंटर है, मतलब कहाँ पर है, शिमला में, ठीक है, शिमला यूपी के बाहर है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ है, शिमला में। और अगर पूछता है केवल आलू अनुसंधान संस्थान, तो वो यूपी के अंदर है, वो है बाबूगढ़ में। तो आप ये ऐसे करके याद रखिएगा कि अगर केंद्रीय पूछ रहा है तो केंद्रीय कहाँ पर है, यूपी के बाहर होगा, क्योंकि सेंट्रल उसको होल्ड, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं, सेंट्रल उसको होल्ड कर रहा होगा, तो यूपी के अंदर नहीं है, वो कहाँ पर है, बाहर है। तो शिमला आलू अनुसंधान केंद्र पूछता है, यूपी में है, बाबूगढ़ में। इसके अलावा पान का आपको पता है, क्योंकि पान जो मेनली फेमस है वो महोबा का है, तो पान का जो अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, महोबा में। इसके अलावा झांसी में जो है वो है पशु चारा बैंक, पशु चारा बैंक। और इसके अलावा एक है नेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री का सेंटर है ये भी कहाँ पर है, झांसी में। तो ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड आ रहा है, ये चारे से रिलेटेड है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो कि चारा बैंक झांसी में है और एग्रो फॉरेस्ट्री भी झांसी में है। इसके अलावा जो पशु चिकित्सा, देखिए ये तीन संस्थान है बरेली में, एक तो है पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, एक है नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, और एक है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये तीनों ही बरेली में, इसको कनेक्ट करिए। कनेक्ट हम कैसे करते हैं, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पशु क्या कैसे होते हैं, मतलब मांसाहारी टाइप के, ठीक है, तो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट, मीट भी क्या है आपका, नॉन वेज में आता है, तो मीट। और इसके अलावा सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, एवियन क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स भी क्या है, एक तरह से नॉन वेज कैटेगरी में आ गया। तो ये तीनों ही कहाँ पर है, ये बरेली में, इसको आप बोलते हो IVRL, ठीक है। एक है आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, देखिए बकरी और गौ का जो है दोनों ही मथुरा में है, और अभी आपको आगे गौ वाला भी पता लगेगा। तो जो बकरी का अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, मथुरा में है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर के तीन चार मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आगे मैं आपको बताऊंगी उनमें कैसे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिलहाल के लिए जो शुगर टेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ पर है, कानपुर में। इसके अलावा जो दलहन अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ है, कानपुर में। और आपका बचा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, देखिए चावल का और जो वेजिटेबल का है वो कहाँ है, वो है आपका वाराणसी। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है, वाराणसी में। तो जो वाराणसी में है वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय की बात करोगे वैसे ये फिलीपींस में है, लेकिन ये जो वाराणसी में है ये साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय जो क्षेत्रीय संस्थान है वो है, यानी अगर साउथ एशिया की आप बात करते हो तब अगर आता है तब चावल का वाराणसी में है, अदरवाइज वैसे वो फिलीपींस में है, अगर वो साउथ एशिया की क्षेत्रीय इकाई की बात नहीं करता है तो। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है। इसके अलावा वाराणसी में एक और है जो हम आगे पढ़ेंगे, वो है वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक है आपका अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र, अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, वो है आपका इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थान थे, याद कर लेते हैं, फल संरक्षण डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ, बागवानी का लखनऊ, मैंगो रिसर्च का लखनऊ, इसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, और जो औषधि मेडिसिनल से रिलेटेड है जैविक एवं औषधि संस्थान लखनऊ, पान का हमें पता है महोबा, केंद्रीय आलू का हमें पता है शिमला, आलू का हमें पता है बाबूगढ़, बरेली के हमें पता है एवियन मीट वाला, और पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, झांसी में हमारा चारा और एग्रो फॉरेस्ट्री का है, दोनों को हमने लिंक करा झांसी, और अमरूद के लिए जो है वो कौन सा है, इलाहाबाद। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट संस्थान थे। इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि यूपी में जो सीलिंग कानून था वो कब लागू हुआ, तो वो लागू हुआ 1960 में, ये हुआ था आज़ादी के बाद, 1947 में जब आज़ाद हो गया था तो उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, तो उस टाइम पर सीलिंग कानून को 1960 में लागू किया गया।
इसके अलावा ये तीन चार कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उनकी सन क्या है, तो आप थोड़ा ईयर याद रख लीजिए। जैसे किसान बही है, किसान बही आया था 1992, किसान क्रेडिट कार्ड आया था 1999 या 2000, इसमें हो सकता है आपको ऑप्शन में 1998 से 99 भी मिल जाए, तो वो भी आप टिक कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। तो KCC जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो ये, किसान मित्र योजना जो आई थी वो 18 जून 2001 को आई थी, किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 2003 को। तो इसको हम याद रखने का तरीका बना लेते हैं, किसान बही योजना बी पहले आ रहा है तो बी पहले आ गया, ठीक है, ये कब हो गई सबसे पहले 1992 में। उसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड बी के बाद सी आ गया, ये कब हुई 1999 और 2000 के बीच। उसके बाद किसान मित्र योजना एम आ गया, मित्र योजना का कब है 18 जून 2001, उसके बाद यानी बी बही क्रेडिट कार्ड और मित्र योजना। उसके बाद आता है किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, तो वी वृद्धावस्था जो कि है कब 2 अक्टूबर 2003 में, यानी 2001 के बाद कब 2003 में। इसके अतिरिक्त एक और पॉइंट जो दुग्ध क्रांति जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड, जो कि यूपी में जो जब सेंटर में स्टार्ट हो गया था, सबसे पहले सेंटर में स्टार्ट हुआ था केंद्र में, वो हुआ था 1970-71 में, केंद्र में जो स्टार्ट हुआ था उसके 3 साल बाद यानी कि 1973 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सेंटर के 3 साल बाद उत्तर प्रदेश में हुई थी। इसके अलावा एक और पॉइंट रह गया है, वो है उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये यार पूछा जाता है कि उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग इसकी स्थापना कब हुई थी 1974 में, 1974 में। तो इस प्रकार जो है हम अभी और भी आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना यार थोड़ा सा आप याद रख लीजिए, ये हुआ था स्थापित 1989 में। तो कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी 1989 में, जो कि है लखनऊ में। इसके अतिरिक्त एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में कि यूपी के अंदर कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो कितने हैं टोटल जो है वो है 6। अगर आपसे ये पूछता है कि कितने राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वो है 4। और डीम्ड जो एक राजकीय डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय एक है, केवल एक, और एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। तो अगर ये एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उसको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, उसमें ये देखना है कि कौन सा क्या चीज़ पूछी गई है। कृषि विश्वविद्यालय यदि पूछे जाते हैं तो वो टोटल 6 हैं, अगर पूछा जाता है राजकीय कृषि विश्वविद्यालय तो वो 4 हैं, अगर डीम्ड राजकीय डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय पूछा जाता है तो वो 1 है, और एक ही केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से वो कृषि विश्वविद्यालय हैं, 6 कृषि विश्वविद्यालय। इसमें आपको जो क्वेश्चन देगा वो मैच द फॉलोइंग करके देगा कि आपसे पूछ लेगा ये वाला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है या कहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहला है चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चंद्रशेखर आज़ाद ये कहाँ पर है, ये है कानपुर में, ये आप याद रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। हालांकि जो देश में जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी, और वो उस टाइम पर यूपी के अंदर हुई थी, लेकिन उसके बाद उत्तराखंड बन गया था, तो वो अब फ़िलहाल के लिए जो है वो कृषि विश्वविद्यालय था जो 1960 में बना था उसका नाम था गोविंद वल्लभ पंत कृषि यूनिवर्सिटी, जिसको हम पंतनगर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, और अभी फ़िलहाल में वो उत्तराखंड में है। लेकिन पहला जो विश्वविद्यालय था कृषि विश्वविद्यालय वो 1960 में वही था गोविंद वल्लभ पंत, लेकिन अभी की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा होगा, ये 1975 में बना था चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, कानपुर में, याद रखेगा। दूसरा जो एक पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहां पर है, ये है आपका फैजाबाद में, नरेंद्र देव है
तो ये कहाँ पर है, फैज़ाबाद में। चौधरी चरण सिंह मेरठ, चौधरी चरण सिंह का नाम लेते ही आपको प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, तो इनका नाम लेते ही याद आ जाता है मेरठ, मेरठ। तो चौधरी चरण सिंह कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है, वो है मेरठ में। एक है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, सेम जगह बांदा में है। तो ये जो चार हैं ये आपके राजकीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, शुरू के चार कौन कौन से, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि है कानपुर में, एक है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो कि है फैज़ाबाद में, एक है बांदा कृषि विश्वविद्यालय बांदा में, और चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में। अब जो एक है पांचवा वो है रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि, ये जो विश्वविद्यालय है कृषि विश्वविद्यालय ये पूरी तरह से केंद्रीय है, ये सेंट्रली सेंटर का है, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय जो इसका संचालन करता है करते हैं वो केंद्र सरकार करती है। तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से थी, झांसी से, तो ये है झांसी में। एक जो छठा कृषि विश्वविद्यालय है वो है सैम हिंगनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय जो कि पड़ता है इलाहाबाद के नैनी में। तो ये भी एक्चुअली इसको 2016 में ही डीम्ड यूनिवर्सिटी का, जो डीम्ड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका दर्जा प्रदान किया गया है। तो सैम हिंगनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय, तो ये छह आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, लोकेशन आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एग्ज़ाम्स में ये कुछ हमने इस अभी पहले मतलब देखा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला है रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, इसको ये है आपका गोंडा में, गोंडा सोनभद्र औरैया, तो यहाँ पर क्या है ये आपका रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, मेन हब इसका वैसे गोंडा है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं रेशम का है गोंडा में, मतलब गोरा इस टाइप से आप कर सकते हैं, गोंडा का गो और रेशम मतलब रेशम से, ठीक है। रेशम अनुसंधान एवं रेशम के और भी हैं, वो है टसर रेशम और एरी रेशम और मूंगा रेशम, ये कुछ रेशम की किस्में हैं जो कि भारत में पाई जाती हैं। जो टसर और इरी रेशम है वो तो पाई जाती है यूपी के अंदर, लेकिन जो मूंगा जो रेशम है वो केवल असम में पाई जाती है। तो जो टसर रेशम का अनुसंधान एवं विकास केंद्र है वो कहाँ पर है, सोनभद्र में, इसको आप थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं जैसे टसर है, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं सोनभद्र है, सोन का आ गया सो और इसका आ गया टा, तो सौठ इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, सौठ मतलब, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम बहुत कंफ्यूज करते हैं कि आपको साड़ी दे देगा, एरी भी दे देगा, टसर भी दे देगा, शहतूती रेशम दे देगा, तो उस टाइम पर कंफ्यूजन हो जाता है कि कहाँ पर है। तो सोन टा टसर मतलब सौठ, ऐसे एरी रेशम जो है वो है आपका कानपुर में, आप इसको याद रख सकते हो, ए का एरी और का कानपुर का एका से आप याद रख सकते हो, यानी जैसे गौरा हमने याद रखा, गोंडा रेशम का है केवल, और सौठ से याद रखा सोनभद्र किसका, टसर रेशम का अनुसंधान, और जो कानपुर इरी का एका मतलब इरी का कहाँ पर है, कानपुर में। इसके अलावा जो अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, जब हम लखनऊ के सारे संस्थानों की बात कर रहे थे, तो इसका पहले नाम ये था राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान, लेकिन अब इसका नाम जो हो गया है वो हो गया राजकीय प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, ये इसका नाम हो गया, ये पहले नाम था इसका, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लखनऊ में है। इसके अलावा ये है आपके उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पर गन्ने के आ रहे हैं, गन्ना शोध परिषद, सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान। तो अगर हम बात करें सब में क्या है, गन्ना है, शुगर केन है, तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन रिसर्च है वो कहाँ पर है, वो है आपका लखनऊ में, हमने पहले ही बताया था ये कहाँ पर है, लखनऊ में, जो इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर शुगर केन का जो रिसर्च है, क्योंकि जो रिसर्च सेंटर है वो मेनली क्या है, जो यूपी का सेंटर है लखनऊ, तो वहाँ पर रिसर्च सेंटर ज़्यादा है, तो शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, लखनऊ में।
लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है, लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये भी कहाँ पर है, ये भी आपका लखनऊ में है। लेकिन अगर हम बात करें गन्ना के जो और दो संस्थान हैं, वो हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, ये जो काउंसिल है गन्ने की, काउंसिल जो है वो, यानी परिषद जो है वो कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में, और एक है सेंटर फॉर शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, ये याद रखिएगा, ये शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी है और ये शुगर केन रिसर्च है। तो जो शुगर केन रिसर्च शोध से जो रिलेटेड है, रिसर्च अनुसंधान होता है, तो अनुसंधान से जो रिलेटेड है वो लखनऊ में है, और जो शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जो रिलेटेड है वो कहाँ है, शाहजहाँपुर में। तो शाहजहाँपुर में दो हो गए, एक तो गन्ने का शोध काउंसिल यानी जो परिषद है वो, और शुगर केन बायोटेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ पर है, शाहजहाँपुर में। ये हमने अभी आपको बताया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं गौ अनुसंधान, ये कहाँ पर है, मथुरा में। आप देखिए मथुरा में, इससे पहले हमने अभी देखा था कि बकरी का था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मथुरा से याद आ जाता है कृष्ण जी का, तो कृष्ण जी क्या मतलब जब छोटे थे वो गाय बकरी को चराते रहते थे, तो बकरी वाला भी कहाँ है, मथुरा में, और जो गौ वाला अनुसंधान संस्थान है वो भी कहाँ है, मथुरा में। केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्की अनुसंधान संस्थान, मत्स्की का जो मछली होती है उसका जो संस्थान है वो कहाँ पर है, वो है इलाहाबाद में। इससे पहले हमने देखा था कि इलाहाबाद में एक और था, वो था अमरूद का जो रिसर्च सेंटर था वो भी कहाँ था, इलाहाबाद में। खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला लेबोरेटरी है ये, तो ये कहाँ पर है, गाजियाबाद में। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, एक तो चावल का और एक वेजिटेबल का, ये मैच द फॉलोइंग में आता है। तो जो चावल का था वो भी अभी हमने देखा था, चावल वाला भी, वो भी कहाँ था, वो भी वाराणसी में था, और जो वेजिटेबल रिसर्च है वो भी कहाँ है, वाराणसी में। वी फॉर वेजिटेबल, वी फॉर वाराणसी, ऐसे याद रख सकते हैं। चावल में भी क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, ठीक है, तो आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि चावल का जो है वो भी कहाँ पर है, वाराणसी में है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट थे, ये सारे हमने देख लिए हैं, चावल और वेजिटेबल का कहाँ पर है, वाराणसी में। इलाहाबाद में कहाँ, इलाहाबाद में किस किस चीज़ का है, अमरूद का और मत्स्की का यानी कि मछली का। लखनऊ में जो शुगर केन रिसर्च है, और गन्ना, जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान है, गन्ने से रिलेटेड जो दो हैं, शुगर केन रिसर्च, याद रखिएगा, रिसर्च मतलब अनुसंधान, लखनऊ में है, और जो लाल बहादुर, ये भी लखनऊ में है। लेकिन जो गन्ना का शोध काउंसिल है शाहजहाँपुर में है, शोध आ रहा है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, शोध आ रहा है, गन्ने का शोध है तो शाहजहाँपुर में होगा। और जो शुगर केन का बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, मतलब जहाँ पर रिसर्च नहीं है, वो लखनऊ में नहीं होगा, मतलब वो शाहजहाँपुर में है। ये हो गया, ये हमने देख लिया था लखनऊ में है सारे, हमने ये रेशम वाले जो थे वो भी देख लिया, गौरा ऐसे करके याद रख लो, गोंडा रेशम का है, एका कानपुर में इरी वाला है, सौंठ सोनभद्र में क्या है, टसर रेशम का है। तो ये इम्पॉर्टेंट थे। हाँ, गाय बकरी का कहाँ पर है, मथुरा में है, ये सब हमें याद हो चुके हैं। जो खाद अनुसंधान है वो मानकीकरण प्रयोगशाला है, वो गाजियाबाद में है। चारा से रिलेटेड जो था वो झांसी में है, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में प्रथम स्थान पर है। ये एग्ज़ाम्स में बहुत आता है कि फल में कौन सा स्थान है या खाद्यान्न में कौन सा स्थान है, तो देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। एक तो ये चीज़ कि जो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, वो कुल सिंचित क्षेत्र, कुल ट्यूबवेल सिंचित क्षेत्र और कुल नहर सिंचित क्षेत्र, इन सब में ही प्रथम स्थान पर है। क्योंकि जो यूपी की जो आप ये कह सकते हैं कि जो पूरा अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो ट्यूबवेल से होती है। तो जो कुल सिंचित क्षेत्र है उसका, और जो कुल नहर के द्वारा जो हम सिंचाई करते हैं, और जो ट्यूबवेल के द्वारा हम जो सिंचाई करते हैं, उसमें क्या है, प्रथम स्थान पर है। क्योंकि ट्यूबवेल के बाद हम नहरों द्वारा ही दूसरे नंबर पर आते हैं, नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है। तो ये आप याद रखिएगा कि इसमें प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा प्रथम स्थान पर और देख लेते हैं कि प्रथम स्थान पर कहाँ कहाँ है। एक तो है कुल खाद्यान्न उत्पादन में। खाद्यान्न उत्पादन का मतलब क्या हुआ,
खाद्यान्न उत्पादन का मतलब हुआ जो ओवरऑल अनाज होता है, ठीक है, इसमें आपका गेहूं भी आता है, इसमें चावल भी आता है, इसमें बाजरा भी आता है, जो ओवरऑल जो मोटा अनाज भी आता है, जो ओवरऑल जो मतलब खाद्यान्न है उसमें क्या है, पहले स्थान पर क्या है, यूपी जो है पहले स्थान पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें गेहूं उत्पादन में, गेहूं में भी पहला है, गेहूं कहाँ पर होता है, गोरखपुर में, हमने अभी पढ़ा था। गेहूं के क्षेत्रफल में भी, यानी कि गेहूं के उत्पादन में भी, गेहूं के क्षेत्रफल में भी, इसके अलावा हरे मटर में और कुल गन्ने के उत्पादन में, इन सारी उसमें क्या है वो प्रथम है। कौन कौन सा, खाद्यान्न का उत्पादन, गेहूं के क्षेत्रफल में, हरे मटर में, कुल गन्ना उत्पादन में क्या है, प्रथम है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ प्रथम है देख लेते हैं। आम में अमरूद है, आंवला है, तरबूज है, खरबूज है, आलू, सब्जी, दूध उत्पादन, पशुधन है, भैंस है। अब ये देखिएगा, पशुधन और भैंस है, भैंस में क्या है, प्रथम है, गाय में प्रथम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। पशुधन में दोनों आते हैं, गाय और भैंस दोनों का आता है, भैंस में प्रथम है, गाय में नहीं है। तो अगर गाय में पूछा जाता है, ये देख, फसल क्षेत्रफल में, उर्वरक में, फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उन सब में क्या है, प्रथम है। तो प्रथम स्थान हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर है। एक तो ये याद रखिएगा सिंचाई से रिलेटेड जो है कि सिंचित क्षेत्र ये सब, और खाद्यान्न गेहूँ गन्ना हरा मटर आम अमरूद, ठीक है, आंवला तरबूज खरबूज ये सब, आलू सब्जी दूध पशुधन भैंस, तो इन सब में क्या है, प्रथम स्थान पर है। इसके अतिरिक्त चावल के उत्पादन में अगर हम दूसरा स्थान की बात करें कि दूसरा स्थान कहाँ कहाँ, तो चावल में दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। हालांकि ये हो सकता है कि जी यूपी के पोर्शन में ना आया, हो सकता है चावल के उत्पादन में ये पूछ ले कि प्रथम स्थान पर वैसे कौन है, तो चावल प्रथम स्थान पर कौन सा है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल प्रथम है। चावल उत्पादन में यूपी दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा जो मोटा अनाज है, जो बाजरा जौ ये मक्का वगैरह होता है, उसमें क्या है, उसमें भी दूसरे स्थान पर है। और जो पहले स्थान पर है बाजरा जो है, जो मोटा अनाज होता है, उसमें कौन है, राजस्थान, राजस्थान में मोटा अनाज ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो शहद है, शहद में भी क्या है, दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल एक तो चावल के उत्पादन में और एक शहद के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का स्थान इन कैटेगरीज में क्या है, सेकेंड है। अब हम देख लेते हैं तीसरा स्थान इसका कहाँ है, थोड़ा सा एक आइडिया रखते हैं कि जैसे फल में ओवरऑल अगर हम फल की बात करें, यहाँ पर हमने बात करी थी अगर पर्टिकुलर कोई कैटेगरी दे देता है, कोई वैरायटी दे देता है, जैसे आम अमरूद खरबूज तरबूज वगैरह, यहाँ पर ओवरऑल फल की बात कर रहे हैं, टोटल जो फलों का उत्पादन होता है उसमें उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का फलों के उत्पादन में। इसके अलावा लहसुन में भी तीसरा है। तीसरा स्थान, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अलग से एग्जाम में कि कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, मतलब ऐसी भूमि जिस पर हम कृषि कर सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा भूमि जो है राजस्थान में है। लगेगा नहीं आपको कि राजस्थान में कृषि योग्य भूमि भी होगी, लेकिन है कहाँ पर, वो राजस्थान में कृषि योग्य भूमि, और कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का स्थान कैसा है, तीसरा है। चौथे स्थान की बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, तो चौथा स्थान कहाँ किस में है, दाल में, दालों में क्या है, चौथा स्थान है। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश दालों के उसमें क्या है, प्रथम है। तो ये हमने कुछ प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ स्थान की बात करी उत्तर प्रदेश की, और वैसे हम इसको अलग से अभी ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, बट हाँ एक रफली आइडिया, चूँकि हम कृषि से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ रहे थे तो एक रफ आइडिया भी हमको होना चाहिए, और बाकी हम इसको डिटेल में कृषि में कवर, उसमें ज्योग्राफी में कवर करेंगे। अब हम आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं उद्योग पर, तो थोड़ा सा उद्योग के बारे में फिर से उद्योग के बारे में देख लेते हैं। तो आपको ये पता है कि जो उत्तर प्रदेश की जो भौगोलिक संरचना है वो जो योग्य है वो कृषि आधारित है, कृषि है या पशुपालन आधारित है। इसमें जो औद्योगिक विकास है वो मध्यम श्रेणी का है। तो पहले नंबर पर तो कृषि रोज़गार उपलब्ध कराती है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो ज़्यादातर रोज़गार जो मिले हुए हैं लोगों को वो किस में मिले हुए हैं, कृषि आधारित जो क्षेत्र हैं उसमें। और दूसरे नंबर पर जो है वो है, दूसरे नंबर पर ये क्षेत्र आता है जैसे सूती और वस्त्र उद्योग। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उद्योग से रिलेटेड, जैसे कि जो 5-year प्लान था,
फाइव ईयर प्लान जिसको हम जानते हैं पंचवर्षीय योजनाएं, तो पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो औद्योगिक विकास दर है वो किस में अधिकतम थी, कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, और ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें न्यूनतम है। तो अधिकतम जो विकास दर थी, औद्योगिक विकास दर, वो थी सिक्स्थ में, छठी पंचवर्षीय योजना में मैक्सिमम थी। इसको यहीं पर याद कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, अगर आपने इसको छोड़ा तो फिर ये गया, ठीक है। और जो न्यूनतम है, न्यूनतम आप ऐसे याद रख सकते हो कि न्यूनतम 9 आ रहा है, मतलब नाइन्थ में क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो न्यूनतम जो विकास दर थी, औद्योगिक विकास दर, वो किस में थी, नवी पंचवर्षीय योजना में। और अधिकतम औद्योगिक विकास दर आपको मिली सिक्स पंचवर्षीय योजना में। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास की जो मतलब औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक उद्योग बंधु योजना स्टार्ट की थी। और वो कब स्टार्ट की थी, आपसे पूछ सकता है कि उद्योग बंधु योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। तो बेसिकली जो औद्योगिक विकास था उसको गति प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारम्भ किया गया था। और इसका कब करा गया था, 1986 में। अब कुछ उद्योग हैं जो हमें लाइन बाय लाइन देखने हैं, और उनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं, जैसे कि सूती, पहला जो है जैसे सूती या हथकरघा उद्योग। तो सूती या हथकरघा जो उद्योग था वो राम सहाय आयोग, ये याद रखिएगा, हो सकता है आपसे ये पूछ ले कि कौन से आयोग की संस्तुति के आधार पर सूती या हथकरघा जो उद्योग था उसके निदेशालय का गठन किया गया था, कौन सा था, राम सहाय आयोग। तो इसके आधार पर जो है, इसकी संस्तुति के आधार पर निदेशालय का गठन किया गया, कौन सा निदेशालय, सूती और हथकरघा या वस्त्र और हथकरघा जो उद्योग निदेशालय है उसका गठन किया गया। कब किया गया, 16 सितंबर 1972 को, यानी कि 1972 को राम सहाय आयोग की संस्तुति के आधार पर ये इसका गठन किया गया। तो अभी हम और आगे देखते हैं, तो हम देख रहे थे सूती और हथकरघा वस्त्र उद्योग, इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें याद रखने हैं। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी जगह कहाँ किस किस चीज़ के लिए फेमस हैं, और ये एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, चाहे वो PCS का एग्ज़ाम हो या लोअर UP SSSC का एग्ज़ाम हो, तो ये याद रखनी है। जैसे सिल्क साड़ी जो है कहाँ की फेमस है, ये हम सभी को पता है, वाराणसी बहुत ज़्यादा फेमस है, इसको GI टैग भी अब मिल चुका है। इसके अलावा कालीन के लिए, कालीन और जो दरियाँ हैं ये जो फेमस है, वो भदोही और सीतापुर, मथुरा, आगरा, इन सब की जो है, बरेली, इन सब की क्या है, ये कालीन और दरियाँ फेमस है। तो ये पूछा जाता है कालीन और दरियाँ कहाँ की फेमस है। कटवर्क पर्दा ये कहाँ का है, गाज़ीपुर का है। चिकन, लखनऊ का चिकन, ये भी हम जानते हैं कि लखनऊ जो है चिकन के लिए फेमस है। जरी दर जो दरदोजी है वो कहाँ के लिए, वो कहाँ का है फेमस, रामपुर का। इसके अतिरिक्त पाइल वर्क अमरोहा का फेमस है, वहाँ पर पाइल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। बेड कवर फेमस है गोरखपुर का। टेरी टॉवल जो है फेमस है गाज़ियाबाद का। इसके अलावा छीट और जो लिहाफ होते हैं उन पर जो छपाई होती है वो कहाँ पर होती है, वो होती है फर्रुखाबाद में, जहांगीराबाद में, पिलखुआ में और मथुरा में। मलमल पर छपाई, थोड़ा सा बोरिंग है ये, लेकिन ये याद रखना ही पड़ेगा हमें, अगर हमें मार्क्स को फेच करना है तो। मलमल पर छपाई कहाँ पर होती है, मलमल पर होती है मथुरा में, उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में पहली जो चीनी मिलती है, ये भी बहुत एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि जो पहली चीनी मिलती पहली बार वो कहाँ बनी थी, वो बनी थी UP में, कहाँ पर बनी थी, प्रतापपुर में, और कब बनी थी, बनी थी 1903 में। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये डेट दे दी जाती है, प्रथम चीनी मिल कब बनी, 1903 में। जो गन्ना विभाग का गठन हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर वो 1935 में हुआ। और उर्वरक कारखाने, जो फर्टिलाइज़र के जो कारखाने हैं वो कहाँ पर हैं, वो हैं कानपुर, बरेली, बरेली में आंवला में, तो ये उर्वरक के कारखाने हैं। इसके अलावा इलाहाबाद में भी हैं, फूलपुर में, इलाहाबाद के फूलपुर में भी हैं। इसके अलावा जो बर्तन और कलई पर जो नक्काशी होती है वो कहाँ ज़्यादातर होती है, वो होती है मुरादाबाद, जिसको हम पीतल के काम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये ब्रास सिटी भी बोलते हैं इसको, और मिर्ज़ापुर में। इसके अलावा लोहे के बाट कहाँ बनते हैं, कहाँ के बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वो है सहारनपुर और आगरा।
इसके अलावा ये सब हमें पता है, जैसे अलीगढ़ के ताले, रामपुर का चाकू है ना, और कैंची जो है वो मेरठ की है, माचिस या दिया सलाई जो उद्योग है मतलब कहाँ ज़्यादा होता है वो बरेली में, चीनी मिट्टी के जो चीज़ें बनती हैं वो ज़्यादातर कहाँ उसका गढ़ है वो क्या है, खुर्जा बुलंदशहर में। सिगरेट जो है ये भी पूछा जाता है, सिगरेट आपको ऑप्शन में दे देगा सहारनपुर और गाज़ियाबाद। तो ये कुछ हैं इम्पोर्टेंट, काफ़ी सारे हैं, इनको थोड़ा बार बार आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे, इतना टफ नहीं है। एक दो बार आप इसको देखेंगे वीडियो को बार बार, या आप लिख कर नोट करके एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। इसके अलावा जो लकड़ी पर, लकड़ी से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लकड़ी पर नक्काशी कहाँ होती है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनते हैं, और खेल का सामान कहाँ मिलता है, तो लकड़ी पर जो नक्काशी होती है वो होती है सहारनपुर और नगीना। लकड़ी के खिलौने, ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था, लकड़ी के खिलौने बनते हैं जो हैं लखनऊ और वाराणसी। बैंत और छड़ियाँ जो हैं वो बरेली, जैसे बरेली में दिया सलाई भी हमने देखा, दिया सलाई का, और बैंत और छड़ियाँ भी कहाँ बनती हैं, बरेली में। खेल का सामान आगरा और मेरठ बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी आता है, लकड़ी के खिलौने लखनऊ वाराणसी। इसके अलावा काष्ठ पादुका जो है वो कहाँ है, उसके लिए फेमस है पीलीभीत। और पॉली फाइबर के लिए है आपका बाराबंकी। सीमेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है पीसीएस वगैरह में कि सीमेंट चुर, ठीक है, यहाँ का तेल जो ऑयल रिफाइनरीज है, ये हम सभी को पता होगा कि जो ऑयल रिफाइनरी है वो कहाँ पर है, मथुरा में है, तेल शोधक संयंत्र। डीजल लोकोमोटिव कारखाना वो कहाँ पर है, वाराणसी में। और ट्रांसफार्मर की जो फैक्ट्री है वो झांसी में है। और देश की जो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है, जो पहली और दूसरी है वो चेन्नई और कपूरथला में है, जो तीसरी है वो यूपी के अंदर बनी है, वो है रायबरेली, रायबरेली में। तो ये याद रखना है कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, यूपी के अंदर रायबरेली में। जो आर्टिफिशियल लिम्स हैं, जो कृत्रिम अंगों का निर्माण होता है, वो कहाँ पर, वो कानपुर में होता है। और मॉडर्न बेकरी भी कानपुर में ही है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि कृत्रिम अंग का निर्माण और मॉडर्न बेकरी कहाँ पर है, कानपुर में। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल पार्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो आते हैं एग्ज़ाम में कि औद्योगिक आपको ऐसे दे देगा कि अप्रैल और हौजरी पार्क कहाँ पर है, तो वो है कानपुर में। इसके अलावा ट्रॉनिका सिटी भी कानपुर में है। कानपुर में हमने चार पांच चीज़ें यहाँ पर देखी, मॉडर्न बेकरी, आर्टिफिशियल लिम वाला, और अप्रैल और हौजरी पार्क, और ट्रॉनिका सिटी कानपुर और गाज़ियाबाद में भी है। तो अगर कानपुर आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो गाज़ियाबाद में भी ट्रॉनिका सिटी है। इसके अलावा एक है चर्म और प्रौद्योगिकी, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क, चर्म प्रौद्योगिकी जो पार्क है वो है बंथरा उन्नाव में, ये याद रखिएगा। एक है लेदर पार्क, लेदर पार्क जो है, लेदर को कन्फ्यूज़ मत करिएगा चर्म से, चर्म प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा में है उन्नाव में, लेदर पार्क जो है वो कहाँ है, आगरा में। एक है जैसे ये था ट्रॉनिका सिटी, था ट्रॉनिका सिटी, हम जैसे कानपुर और गाज़ियाबाद को हम बोलते हैं या वहाँ पर है, और ऐसी एक है निकिडा सिटी, निकिडा सिटी भी पूछ लिया जाता है कि निकिडा सिटी कहाँ है, तो वो है कानपुर और उन्नाव के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, निकिडा सिटी। इसके अलावा कुछ एग्रो प्रोसेसिंग जोन्स पूछ लेते हैं कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन आपके जो हैं वो कहाँ पर हैं, तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो है वो एक तो हापुड़ में है, लखनऊ में है, वाराणसी में है, और सहारनपुर में है। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ औद्योगिक क्षेत्र पार्क हैं जो आपको डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एग्रो प्रोसेसिंग जोन जो हैं वो हापुड़, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि प्लास्टिक सिटी, प्लास्टिक सिटी हम बोलते हैं जिसको, कानपुर को हम भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं, तो इसको भारत का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन बहुत आता है, कानपुर को बोलते हैं प्लास्टिक सिटी, बोलते हैं हम कानपुर देहात को, तो ट्रॉनिका अलग है, निकिडा अलग है, और प्लास्टिक सिटी अलग है, तो कानपुर देहात को। इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो बोलते वो है नोएडा और आगरा में। इसके अलावा पहला जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण था वो 1976 में उसका गठन हुआ था, जिसको जो हमारा ओखला गाज़ियाबाद नोएडा में जो पोर्शन है उसको जो वो जो था वो पहला औद्योगिक विकास प्राधिकरण था, जो 1976 में बना था। ऐसे ही जैसे गोरखपुर है, गोरखपुर का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है,
जैसे गोरखपुर, गीडा की फुल फॉर्म जैसे हो गई गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो ऐसे गोरखपुर का जो इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है उसको हम गीडा बोलते हैं, जो जौनपुर की इंडस्ट्रियल अथॉरिटी है उसको हम सीडा बोलते हैं। तो आपको ऑप्शन में दे देगा जैसे सीडा, सीडा मैच द फॉलोइंग के गोरखपुर, जौनपुर, भदोही, तो सीडा किससे रिलेटेड है, जौनपुर से, क्योंकि वहाँ की ये डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा दे देगा बीडा, बीडा मतलब बीडा का हो गया कहाँ से, भदोही, भदोही का क्या है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसके अलावा जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की अगर औद्योगिक क्षेत्रों की जो यूनिट्स हैं, जो उनकी इकाइयाँ हैं, अगर हम उनकी संख्या देखें तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उनकी संख्या में प्रथम स्थान पर, यानी सबसे ज़्यादा जो MSME की इकाइयाँ हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो इस तरह से हमने कृषि और उद्योग जो उत्तर प्रदेश के बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इन्हीं अगर इन पॉइंट्स पर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलनी निश्चित है। तो बस इसको बार बार आप देखते रहिए, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा, हो सकता है अभी आपको टफ लग रहा हो। और इसी के साथ उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई भी गलती लगे तो प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।